Stop. System launcher. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप में से कुछ लोग जान के शायद आश्चर्य भी होंगे, और थोड़ा हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये है कि आप वो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या ना हो, तो अगर मान लीजिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपके पास कीपैड फ़ोन है, सादा फ़ोन, जी हाँ बिल्कुल, बस उसकी आउटगोइंग कॉल चालू रहनी चाहिए, आप गूगल असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट से इस प्रकार बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास वोडाफोन या आइडिया की सिम होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अदर सिम से ये वर्क नहीं करता, सिर्फ वोडाफोन आइडिया से ही ये वर्क करता है। तो आपको इसका कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता दोस्तों, आपके पास आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी समाचार वगैरह सुन सकते हैं। मैं आपको ये सुनाऊँगा अभी। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमने ये एक नंबर है, मैं आपको बताऊँगा वो नंबर हमने डायल किया, उसके बाद उस नंबर पे हमारी कॉल जाएगी। जब कॉल जाएगी तो वहाँ थोड़ा सा कुछ बोलता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही, तो आप घबराएं ना, ऐसा कुछ भी अगर आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो गूगल असिस्टेंस एक, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो, जिस प्रकार से आप ऑनलाइन करते हैं एक प्रकार से आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी सवाल आप उससे कर सकते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए बाय द वे एंड्रॉयड फ़ोन है लेकिन अगर उसमें नेट नहीं है, नेट ख़त्म हो गया है, तो गूगल असिस्टेंस काम ना करे तो आप उस नंबर का सहारा ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कीपैड फ़ोन है, आपको भी ऐसा लगता है कि यार सुबह सुबह हम कोई ख़बर जानना चाहें तो आप उससे सुन सकते हैं। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि वो नंबर कौन सा है और आपको उसको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, हम फ़ोन में गए हैं, हम आपको नंबर डायल करके ये दिखा सकते हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, हम कॉल तो आपको नहीं करके दिखा सकते, हम आपको दूसरे फ़ोन से कॉल करके यह सुना सकते हैं। तो पहले हम आपको इस फ़ोन में नंबर इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो कि हम वही नंबर डायल कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन में कॉल, कॉल विद सिम, कॉल विद सिम जीरो प्लस शून्य शून्य शून्य, ये हो गया ट्रिपल जीरो, डबल टैप एंड होल्ड टू लॉन्ग प्रेस जीरो प्लस एट टॉप आठ जीरो प्लस शून्य शून्य एट डबल जीरो नाइन डब्ल्यू एक्स वाई सी नौ फोर डी वन वॉइस मेल डबल एक पाउंड नाइन डब्ल्यू एक्स वाई सी नौ ये ट्रिपल जीरो एट डबल जीरो नाइन वन नाइन फोर डी वन वॉइस मेल एक जीरो प्लस शून्य शून्य शून्य। जी हाँ दोस्तों, इसी नंबर को आपको डायल करना है, लेकिन ध्यान रहे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वोडाफोन और आइडिया से ही वर्क करेगा। नंबर है ट्रिपल जीरो एट डबल जीरो नाइन वन नाइन वन ट्रिपल जीरो, अर्थात शून्य 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 आठ शून्य शून्य नौ एक शून्य शून्य शून्य। बस इस नंबर पर आपको कॉल करना है और कुछ भी नहीं दबाना है आपको, बस इस नंबर पे कॉल करना है और गूगल असिस्टेंट वहाँ बोलेंगे तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि हमें ये बताओ कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आज की ताज़ा खबरें सुनाओ, वगैरह वगैरह कुछ भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उसमें गाने तो नहीं सुन सकते क्योंकि वो बोलता है म्यूजिक प्लेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा बोलता है, लेकिन आप समाचार वगैरह सुन सकते हैं या फिर आप कोई भी सवाल उससे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन से। शून्य
8 0 0 0 deleted back. तो दोस्तों मैं दूसरे फ़ोन का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं नज़र आएगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि थोड़ा सा मैं असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग ज़रूर यकीन करेंगे इस बात का, और आप लोग एक बार ज़रूर जो मैंने नंबर बताया आप उस नंबर को डायल भी करेंगे। अगर वो नंबर आपके कामयाब होगा तो आप उसे बिल्कुल आप उसे चेक भी करेंगे आप, और हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर ये देखिए मैंने उस दूसरे फ़ोन से कॉल किया है जो नंबर मैंने आपको यहाँ बताया था। मदद के लिए या अपना लोकेशन बदलने के लिए 0 दबाएं। आज का सुझाव, आप पूछ सकते हैं बिल गेट्स की आयु कितनी है या चांदनी चौक नई दिल्ली में कोई होटल। आज की ताज़ा खबरें, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? यह रही ताज़ा खबरें आज तक से आज सुबह के 7:30 पर। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर, ये देखिए दोस्तों एनसीपी नेताओं की दिल्ली में बैठक। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? किन हालातों में लगा राष्ट्रपति शासन? नरेंद्र मोदी। किन हालातों में लगा राष्ट्रपति शासन? भारत के राष्ट्रपति कौन है? दिल्ली में जहरीली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। दिल्ली के सांसद कौन है? पानी पर सियासत में सोनिया गांधी ने दिल्ली। माफ करें, मुझे नहीं पता कि इस मामले में आपकी मदद कैसे करूं। लेकिन दोस्तों सच सुन नहीं पाया है। पानी पर सियासत में सोनिया गांधी ने दिल्ली के प्रदूषण को कहा। नारियल की खेती कहाँ होती है? hi.wikipedia.in वेबसाइट के अनुसार XT आदि दो प्रमुख संकर किस्में हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की 10 संकर प्रजातियां हैं। और भारत की राजधानी कौन सी है? इस बारे में और जान, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो आप लोगों को ये विश्वास हो गया होगा दोस्तों कि यही वो गूगल असिस्टेंस है जो आप उससे कैसे भी काम करवा सकते हैं, आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपको ज़रूर है कि हमारा ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अब ये मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन आप अगर आप इस नंबर को एक बार डायल करेंगे ना तो आप लोग अगर आप इस नंबर को डायल करेंगे तो ज़रूर है कि आपको ये सुविधा देखने को मिलेगी, और जो मैंने बताया बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों आपको बस ये नंबर डायल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आएगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों लाइक करने में जाता क्या है यार, ठीक है? लाइक करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें ला के दे पाएंगे। जैसे आप, हम आपको भी बहुत कुछ ला कर देने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग और कीजिए, थोड़ा सा मैं बहुत से चीज़ों को देख रहा हूँ, और जैसे ही मुझे वो तरीका मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ ला कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग बस हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों को, लोगों जिस चीज़ में लोग उत्साहित हैं आप लोग उसको और भी प्रोत्साहन दीजिए। तो बस प्रोत्साहन कैसे देना है आपको? हमारी वीडियो को लाइक करना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं थोड़ा दृष्टिहीन हूँ इसलिए मैं आपको पूरी तरह से वीडियो तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं कुछ एप्लीकेशन की मदद से आपको दिखा सकूँगा जो फ़िलहाल मैं भी सर्च कर रहा हूँ। इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की तरफ से वो प्यार हमें मिलेगा जो चाहिए तो हम ज़रूर है कि इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आए, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गूगल असिस्टेंट सिर्फ वोडाफोन और आइडिया से काम करेगा। और दोस्तों नंबर को ज़रूर डायल करके देखें, नंबर मैं आपको बता देता हूँ फिर से, नंबर है 0000-8009-1900, यानी कि 0000-8009
एक शून्य 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 यानी 0008009191000। तो इस नंबर पे आपको बस केवल कॉल करना है, उसके बाद जो भी कुछ बोलेगा थोड़ा सा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद फिर वहाँ पे वन ऐसा दबाने को बोलेगा तो भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट उससे सवाल कर देना है जो भी आपके मन में है। तो दोस्तों आप को ये वीडियो समझ में तो आ ही गई होगी, तो दोस्तों हमें इतना सा प्यार दीजिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं, तो ही हम आगे आपके लिए कोई और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमको ये लगेगा कि यार फिर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फिर ऐसे में दोस्तों दिल टूटता है लोगों का। लेकिन चलिए कोई नहीं, तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।